Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. तो कैसे हैं आप सब? तो मेरी YouTube फैमिली, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ मेरे यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा व्लॉग। तो आज पूरे दिन हम क्या करेंगे, तो मैं आपको आज पूरा डेली व्लॉग मैं ना यूनिवर्सिटी का शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल पे अभी जो न्यू है वो जल्दी से जाके मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब कर दें और मेरा व्लॉग इन्जॉय करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ है सर अमजद का। और सर अमजद का नाम आपने मतलब फ़र्स्ट टाइम ही सुना होगा, वो इसलिए कि सर जो है वो न्यू टीचर हैं और मैंने अभी तक अपने व्लॉग में नहीं दिखाया, तो इस की भी आप फिक्र ना करें। तो आज ही हम सर अमजद को दिखाते हैं और यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टीचर हैं और इनकी पढ़ाने की जो स्किल है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो मतलब ग्रेट टीचर है, ग्रेट। तो स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क। तो आपकी बहन भी देखो यार यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकल कर रही है और एक एक चीज़ देख रही है, मतलब ये यहाँ पर रखा हुआ है सारा सामान। तो यार बस टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग और व्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका है अपना, तो आप चलते हैं। ओके जी, अब हमारा स्टार्ट हो चुका है सेशन और सेशन को जो लीड कर रही हैं वो हैं मिस अतिया बानो। तो आज ये हमें बताएंगी कि HSC की तरफ से जो अभी अनाउंसमेंट हुई है तो वो कैसी है, तो आपके फ़ायदे की वीडियो पूरी देखें आप लाजमी। ठीक है, आप इस साइट पे जाओगे, इस साइट पे आपके पास साइन अप में जाओगे तो एक फॉर्म आएगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, ये जो अकाउंट है ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये अकाउंट HSC का है, ये अकाउंट आप पूरी लाइफ टाइम यूज़ करोगे, आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए, आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, MPhil PhD में एडमिशन के लिए, ये आपका अकाउंट यूज़ होगा। डेट्स वाई ये अकाउंट जो है वो आपका CNIC से बनता है। इस अकाउंट में आपका यूज़र नेम या ईमेल यूज़ नहीं होती, ये रजिस्टर होगा आपकी CNIC से। आप अपना CNIC दोगे, पासवर्ड सेट करोगे, आपका ये अकाउंट हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आप एंटर करो, साइन अप करो, आपका अकाउंट ई सर्विसेज पे बन जाएगा। ठीक है, वंस आपका यहाँ पे अकाउंट बन गया। और आज हम बात करेंगे सर नासिर शेख की। सर नासिर शेख मतलब बेहतरीन टीचर, बेहतरीन लीडर और हमारे बेहतरीन HOD। आज जो है सर का लास्ट जो है यूनिवर्सिटी से, मीन्स कि सर रिटायर हो चुके हैं और बेहतरीन गाइडनर, बेहतरीन जो है ना वो लीडर हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है सर से हमें कुछ सीखने को मिला। और सर के कुछ गोल्डन वर्ड्स जो आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो इसलिए किसी चीज़ से दिल लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग भी आते हैं, लोग भी जाते हैं, पता नहीं मैंने कितने लोग आए मेरी ज़िंदगी में, कितने चले गए, एक के अलावा ना आए ना गए। ठीक, तो ये आपके पास सूरत हाल, इसलिए जो है वो आज इस डिपार्टमेंट में मेरा आखिरी दिन रहेगा। आप लोगों के लिए दुआएं कि जिस मकसद के लिए इस जगह आए हैं उस मकसद को अच्छे तरीके से हासिल करके जाए, कामयाबियाँ आपके साथ हों, लेकिन संजीदगी के साथ अपना मकसद हासिल। मैं हमेशा कहता रहा हूँ हंस के, मजाक में, तंज में या डायरेक्ट, कि आप लोग आए हैं डिपार्टमेंट में, यहाँ पे दो चीज़ें आदमी लेके चलता है और ख़ासतौर पर बच्ची, नेक नाम और अपना मकसद, ये दो चीज़ें आपका सारी हो गई, नहीं तो दुनिया बड़ी ज़ालिम बहुत मेरी तरह हर दफ़ा टॉन्ट करती है, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही हर शख्स करेगा रास्ते मिलने वाला, अगर आपकी राहें गलत हो या आप कामयाब नहीं होंगे। और हम
आधे से ज़्यादा जिंदगी लोगों के लिए जीते अपने लिए कि दुनिया क्या कहे। ये ऐसा जुमला है, मैं भी कहीं चाट खाने रुकता हूँ अगर वो सोचता हूँ कि यहाँ रुकूँ, फिर यही सोचता हूँ कि दुनिया क्या कहेगी, इसलिए वहाँ रुकना की बजाय आगे बढ़ो। ठीक है ना, दुनिया में किसी और जगह जाता हूँ वहाँ दुनिया में कहने वाले नहीं होते, इसलिए कुछ भी करो। तो ये फर्क होता है, और आपने यहीं रहना है, यहीं उठना है, यहीं बैठना है, तो यहीं की बातें सुननी है और यहीं के लोगों से मिलना है, इसलिए अपने मकसद को हासिल करो। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं वहाँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे बच्चों ने, जबकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, सारे बच्चों ने मुझे रिसीव किया और फिर मुझे रुख्सत की, बहुत अच्छा लगा। उनसे मेरी कोई भी वापसी नहीं थी, बहुत कुछ रहती अपने मकसद में काम करना। फिर भी मेरे लायक कभी भी कोई काम होगा आप बुलाएंगे एजुकेशन पर्पज के लिए, या कोई भी गाइडेंस की कभी भी उससे ज़रूरत हो और इस काबिल समझे कि मैं दे सकता हूँ। आई विल, थैंक यू। यार सीरियसली, मतलब आंखों में आंसू भी आ गए थे, और अब हम जो है ना केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, सर को प्यारी सी दुआओं के साथ रुख्सत करेंगे सर को, और इससे बढ़ के तेरे जान निसार क्या करते कि जहाँ से भी गए और मेरा गिला है। कह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए शेर है कि ये भी अदब में शामिल है, जिसकी मोहब्बत दिल में बसी हो उसकी गली में जाए कम। ये छुरी बड़ी बॉटनिकल है। जितने दोस्त यहाँ, जितने मेरे शागिर्द यहाँ मौजूद हैं, वो मेरे जाने के बाद भी ये मेरे जो कुलीग्स हैं इनका मुझसे ज़्यादा एहतराम भी करेंगे, और इनके जो है वो इन्हें प्रॉपरली बड़े बन कर, यानी बड़े समझ कर इन्हें फॉलो भी करेंगे इनके इंस्ट्रक्शंस को, और अपनी तालीम का सिलसिला बेहतरीन तरीके से जारी रखें। मैं हमेशा मेरा ख्वाब रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस डिपार्टमेंट के बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में भी आगे रहे, सही क्लास में टाइम पे नहीं आते, ठीक, ख़ास तौर पे जिनके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनका ब्यूटी पार्लर 9 बजे 9:15 से पहले नहीं आते, तो मुझे उम्मीद है, मैंने आपको गाय क्या बोल रही है, तो वो जो है मुझे उम्मीद है कि सुबह टाइमली भी आएंगे और अपनी तालीम पे तवज्जो भी देंगे। मैं यही समझूंगा कि मैं चला गया, लेकिन आपने मेरी बात को रख के और उस सिलसिले को जारी रखा है जो हमने चराग जलाया है, ये चराग अब इन लोगों के हाथ में और आपके हाथ में है, इस चराग को ऐसे ही जलने दें। और यहाँ पर जो है केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है, और वाकई बहुत ज़्यादा दिल उदास भी है, क्योंकि इतने जो अच्छे टीचर्स होते हैं, इतने बेहतरीन टीचर्स होते हैं, अच्छे लोग जो है ना वो जल्दी चले जाते हैं, बुरे लोग जो है ना वो रह जाते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ही हम लोग अपसेट थे और आंसू भी आ गए थे, और यहाँ पर जो है सारे जो सर हैं हमारे माशाल्लाह सारे ही काबिल टीचर हैं और सारे ही बेहतरीन टीचर हैं, तो अल्लाह पाक इन सब
टीचर्स को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जो है ग्रुप पिक्चर्स ली जा रही थी और फिर ऐसे ही सारा जो दिन है हमारा ऐसे ही गुजर गया। और आपकी बहन को गर्मी लग रही थी, आपकी बहन ने आइसक्रीम ली और जाके पॉइंट में बैठ गई और पॉइंट में बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हाउसफुल हो चुका था। तो मैंने सोचा कि आज कुछ मतलब अलग ही एडवेंचर करते हैं और बैठ गई मैं भी आगे। और वाकई यार सीरियसली बहुत ही मज़ा आ रहा था, इंजॉय भी बहुत किया था मैं और मेरी फ्रेंड, मतलब हम लोग ऐसे ही गप्पे भी लगाते गए और इंजॉय भी हो गया। और घर जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, आज कहीं जाना भी है शादी में। मैं घर पहुंच गई थी, पहुंचने के बाद जो है वो मैं फ़्रेश हो गई। फ़्रेश होने के बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़ी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से आते आते थोड़ा सा टाइम हो जाता है मुझे, तो नमाज़ का टाइम निकल रहा होता है, बस फ़ौरन से जो है ना मुझे नमाज़ पढ़नी होती है। और आज जो है ना वो मतलब मैंने शादी में भी जाना है, उसका ड्रेस भी निकालना है। और मैंने कुछ जो है ना अपना मतलब जो व्लॉग जो है वो मैं अभी तैयारी का नहीं बना सकती क्योंकि चार्जिंग नहीं, चार्ज पर भी लगाना है फ़ोन, तो अब वहीं जाके मिलेंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं हॉल में और पुप्पो आगे चल जा चुकी हैं, हरमीन कैफलरा येरी पुप्पा जो है आ रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं और मैं भी बड़ी रेडी हो गई हूँ। मैं आपको बाद में बताऊंगी यार, ठीक है, अभी पता नहीं मैं अपना फुल लुक दिखा सकूँ या नहीं दिखा सकूँ। और फिर उसके बाद जो है आपकी बहन पहुंच गई थी, तो आपकी बहन ने सोचा सबसे पहले जो है आप लोगों को अपना लुक दिखाया जाए। और मतलब अभी ड्रेस के लिए हरमीन पता नहीं कहाँ है, मैं उसको ही ढूंढ रही हूँ कि मेरे ड्रेस की एक वीडियो बना ले, वीडियो बना ले, पर हरमीन मिल ही नहीं रही है। उसके बाद जो है फ़ोटोशूट हो रहा था ब्राइड और ग्रूम का, ठीक है, एक जो ब्राइड है वो दूसरी तरफ उसका हो रहा था और इसका जो है ना यहाँ पर हो रहा था, तो हम वही देख रहे थे कि क्या हो रहा है कैसे नहीं, मतलब अलग अलग एक्शन, मतलब जैसे जैसे जदीद दौर आता जा रहा है वैसे वैसे इनके एक्शन भी अलग हो रहे हैं। अई माशाल्लाह इतना प्यारा गुड्डा मिल गया था, मतलब छोड़ने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था घर ले जाऊं मैं इसे। हाँ तो भाई अब खा रहे खाना, थोड़ा सा फुर्सत मतलब मिल गई और बच्चा पार्टी भी मतलब हमारा खाना खा रहा है। रिलैक्स हो ना, क्या फिर रिलैक्स, क्या फिर आगे बोटियाँ टक गई। पानी दो मेरी बच्ची को, मेरा शहजादा। और फिर यूँ हुआ कि आपकी बहन ने एंट्री की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मोबाइल में स्पेस आ गया था, इसलिए तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।